हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ वेलकम टू एस आई एस ऑनलाइन क्लासेस आई एम अंकित भट्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर पैरिटर एंड एरिया बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द पैरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज वन ट्वेंटी मीटर पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है पैरी मीटर ऑफ जो चीजें गिवन है सबसे पहले उसको नोट कर लिया जाता है रेक्टेंगल इज इज टू सेंटीमीटर लेंथ ठीक है एल एन जी टी एच लेंथ इज इक्व टू फोर्टी मीटर देखिये ये सेंटीमीटर में नहीं मीटर ही में सॉरी फाइंड इट्स एरिया देखिए एरिया अगर हमको फाइंड करना है एरिया क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले हमको क्या निकालनी होगी ब्रेथ ठीक है सो पैरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है फॉर्मूला टू एल प्लस बी ऑफ रेक्टेंगल वन ट्वेंटी मीटर की meter, है टू एल की वैल्यू फोर्टी मीटर बी अन नोन है क्वेश्चन मार्क ओके वन ट्वेंटी टू डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल्स टू फोर्टी मीटर प्लस बी ठीक है ये हो जाएगा सिक्सटी

तो लेंथ ट्वेंटी मीटर एंड ब्रिथ इज सॉरी लेंथ फोर्टी मीटर है ओके सो फोर्टी इन टू ट्वेंटी एट हंड्रेड मीटर है ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल लें या बी बोल लें ए है वन की जगह ए कर लीजिए ओके फाइंड दैरिमीटर ऑफ आर रेक्टेंगल अब की बार पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहला ही वर्ड जो है वो क्वेश्चन मार्क पहला ही सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रिथ दी दी गई है बी आर ई ए डी टी एच ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल इज टू सेवनटीन सेंटीमीटर Okay. So, देखिए यहां से लेंथ निकाल लेंगे कुछ गड़बड़ है कुछ ज्यादा नहीं दिया गया वन सेवेंटी होना चाहिए तो चलिए एक सॉल्व करते हैं सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन था तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड फॉर्मुला अप्लाई किया था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो चीज गिवेन हो बस आपको उसी का फार्मूला अप्लाई करना है एल इन टू बी एरिया ऑफ रैक्ट एंगल थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एल फाइंड आउट करना है बी की वैल्यू सेवनटीन सेंटीमीटर की वन है तो थ्री फोर जीरो जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेवनटीन सेंटीमीटर इज्वल टू एल सो कट कर लेंगे सेवनटीन टू जो थर्टी फोर ओके सो एल की वैल्यू आ जाएगी टू हंड्रेड सेंटी मीटर ठीक है एल की वैल्यू आ जाएगी टू हंड्रेड सेंटीमीटर सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टैंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला हो जाएगा टू विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी टू एल की वैल्यू है टू हंड्रेड प्लस बी की वैल्यू है सेवेंटीन ओके सो टू हंड्रेड सेवनटीन इज गज टू टू सेवन फोर्टीन वन टू वन जो टू वन थ्री एंड टू टू जोर ओके सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर फोर हंड्रेड थर्टी फोर सेंटीमीटर ठीक है क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं देंथ ऑफ आ रेक्टेंगल इज थ्री टाइम्स इट्स ब्रेथ ठीक है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है एल ई एन जी टी एच लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये देखिए कंडीशन दी गई है रेक्टेंगल जो है थ्री टाइम्स मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाई बी आर ई एच ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के गिवेन है ठीक है तो <coughs> so, देखिए अगर आ, रेक्टेंगल की ब्रेथ टू सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी सिक्स अगर फोर है तो ट्वेल्व सो so, अगर यहाँ पर नोन वैल्यू हो रेक्टेंगल की ब्रेथ लेट दैट लेट ब्रेथ बी आर ये डी टी एच ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स ठीक है मीटर क्या दी है 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 तो क्या क्या हो जाएगी three X. ठीक है? <coughs> sorry, तो नहीं है. क्या लेट करना है ब्रिथ आपको फाइव सेंटीमीटर गिवन है फाइव मीटर सॉरी ब्रिथ इज फाइव मीटर सो लेंथ इज थ्री टाइम्स मतलब फिफ्टीन मीटर

लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गोस टू थ्री इंटू फाइव मीन्स फिफ्टीन मीटर सो पैरिटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा पैरीमीटर ऑफ रेक्टैंगल टू एल प्लस बी टू लेंथ दी गई है फिफ्टीन मीटर एंड ब्रिथ दी गई है फाइव मीटर सो टू इंटू ट्वेंटी मीटर मींस फोर्टी मीटर ठीक है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल